You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, हम लोग काउंटर देख रहे थे, सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर में ही आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सिंक्रोनस काउंटर का और देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। मान लीजिए कि एक काउंटर है और आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए। यहां से आउटपुट लिए जा रहे हैं, सिंक्रोनस काउंटर है तो सभी को क्लॉक जो है सेम दी गई है। ये क्लॉक हो गई, ये हो गया हमारा टी नॉट, वन गिवन है, टी वन, टी टू, क्यू नॉट, क्यू नॉट कॉम्प्लीमेंट, क्यू वन, क्यू वन कॉम्प्लीमेंट, क्यू टू कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब देखिए यहां आउटपुट कहां से लिए जा रहे हैं, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू से। ध्यान रखना है LSB क्या होगी, नॉर्मल सी बात है, क्यू नॉट, क्योंकि एक्सटर्नल इनपुट किसको दिया गया है, क्यू को। तो वही चीज हमें फिर से वैसे ही करना है, लिख लिया क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू और लिख लिया टी नॉट, टी वन, टी टू। अब आपको लग रहा होगा कि टी वन तो ठीक है, जो टी टू इनपुट लिया गया है वो तो क्यू नॉट और क्यू वन कॉम्प्लीमेंट का एंड है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहां लिख लेना है LSB, हमेशा दूसरी साइड लिखिए, ऐसे लिखते हैं टी टू, टी वन, टी नॉट। टी नॉट तो हमेशा वन है तो ये वन ही रहेगा, टी वन की वैल्यू क्या है जो क्यू नॉट है, और टी टू क्या है, टी टू की वैल्यू आपको दिख रही है क्यू नॉट इंटू क्यू वन कॉम्प्लीमेंट। तो यहां लिख लीजिए क्यू नॉट इंटू क्यू वन कॉम्प्लीमेंट। बस इनिशियली अगर कुछ नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। अब इस क्वेश्चन में ये तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं हम इसको। कॉम्प्लिकेटेड क्या बनाते हैं कि यहां देते हैं प्रीसेट, यहां देते हैं क्लियर, यहां देते हैं क्लियर, और एक्टिव तीनों को एक्टिव हाई कर दिया, दिया हमने ये लगा दिया यहां पे एंड गेट, और इसको ले लिया यहां से, इसको ये क्यू वन कॉम्प्लीमेंट से ही ले लिया और इसको ले लिया क्यू टू से। अब आप देखिए ये सारे एक्टिव हाई है, मतलब यहां जब हाई वैल्यू आएगी तब ही ये काम करेंगे अपना। क्या काम करेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले हमने बोला था इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो ये सर्किट भूल जाइए आप, फीडबैक वाला सर्किट, बिना इसके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो बिना इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इनिशियली मान लिया सभी को क्लियर, क्लियर और क्लियर है। देखिए ये फीडबैक वाले प्रीसेट क्लियर है, अगर अलग से कोई प्रीसेट क्लियर दिया होता जो फीडबैक नहीं होता, तो मान लो ये प्रीसेट दिया होता तो दैट मीन्स कि इसकी इनिशियल वैल्यू वन है, अगर क्लियर दिया होता दैट मींस इसकी इनिशियल वैल्यू जीरो है, लेकिन ये फीडबैक वाले हैं तो ये इनिशियल स्टेट नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसको डिनोट करते हैं, नेक्स्ट स्टेट को। तो चलिए देखते हैं, टी नॉट तो हमेशा वन होगा, टी वन वो होगा जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट कितना है जीरो, तो ये जीरो हो गया। टी टू कितना है, क्यू नॉट इंटू क्यू वन कॉम्प्लीमेंट, क्यू नॉट जीरो है तो इसका कॉम्प्लीमेंट वन, जीरो इंटू वन क्या होगा जीरो। अब बिल्कुल आसान है, देखिए जो वन है वहां इन्वर्ट, तो इसका इन्वर्ट कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, ये दोनों जीरो है, जीरो जीरो मतलब होल्ड कंडीशन, तो ये भी जीरो रहेगा और ये भी जीरो रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं टी नॉट तो फिर से वन है, टी वन जो है वो है क्यू नॉट, टी वन की वैल्यू है क्यू नॉट, तो टी वन की, यहां पिछली बार में थोड़ा उल्टा कर दिया था मैंने, टी वन की वैल्यू क्यू नॉट है और टी टू की वैल्यू है क्यू नॉट इंटू क्यू वन, ये ध्यान रखना, तो यहां तब भी जीरो ही आएगा, कोई गलती नहीं है। ठीक है, यहां पे देखते हैं हम
T1 की वैल्यू कितनी है? Q0. Q0 कितना है? 1, तो ये 1 रख दिया. T2 कितना है? Q0. Q0 है 1 into Q1 कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? Q1 कॉम्प्लीमेंट भी 1 हो जाएगा, तो 1 into 1 1, तो यहां भी क्या आ गया? 1 आ गया. अब देखिए 1 1 1, जब T1 होता है इसका मतलब इनवर्स कंडीशन, तो ये इनवर्स होके 0 हो जाएगा, ये इनवर्स होके 1 हो जाएगा, ये इनवर्स होके 1 हो जाएगा. T0 तो 1 ही है, T1 वो है जो Q0 है, Q0 कितना है? 0. T2 है Q0 into Q1 complement, तो 0 into 1 का complement 0 होगा, 0 into 0, तो ये भी 0, तो ये hold, sorry, ये 1 है, तो invert, तो 0 का invert क्या हो जाएगा? 1, ये दोनों 0, 0 है, तो hold, तो ये भी 1, और ये भी 1. अब देखिए T0 तो 1 ही रहेगा, T1 जो है वो Q0 के बराबर, तो Q0 कितना है? 1. T2 जो है वो Q0 into, यानी कि 1 into Q1 complement, Q1 complement हो जाएगा 0, 0 into 1 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. अब देखते हैं, ये invert, ये invert, ये hold, तो 1 का invert 0, 1 का invert 0, और 1 का hold, तो 1 का 1 ही रहेगा. अब देखिए T0 तो 1 है, T1 वो है जो Q0 है, तो Q0 कितना है? 0. T2 है Q0 into Q1 का complement, तो Q0 0 है, तो 0 में कुछ भी multiply करोगे तो 0 ही आएगा. ये invert, तो 0 का इनवर्ट 1, ये दोनों होल्ड, तो जो है वही का वही, जो है वही का वही. आगे बढ़ते हैं, T0 तो 1 है, T1 है Q0, Q0 कितना है? 1. T2 कितना है? Q0 into Q1 का कॉम्प्लीमेंट, Q0 है 1, Q1 का कॉम्प्लीमेंट भी 1 हो जाएगा, तो 1 into 1 क्या आ जाएगा? फिर से 1 आ जाएगा. चलिए देखिए, तीनों इनवर्ट, तो 1 का इनवर्ट 0, 0 का इनवर्ट 1, 1 का इनवर्ट 0, ये आ गया. T0 तो अगेन 1 ही है, T1 है Q0, Q0 कितना है? 0, तो ये 0 आ गया. T2 है Q0 into Q1 complement, तो Q0 0 है, तो 0 का किसी में मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा. चलिए आगे बढ़ते जाते हैं, कब तक आगे बढ़ना है? जब तक रिपीटेशन ना होने लगे. देखिएगा 1 है तो complement, तो इसका complement हो जाएगा 1, ये दोनों 0 0 मतलब hold, तो जो है वही का वही हमें रख देना है. 0 1 1 ये आ गई एक स्टेट. अब देखिए T0 तो 1 ही है, T1 क्या है? Q0, Q0 की वैल्यू कितनी है? 1. T2 क्या है? Q0 into Q1 complement, Q0 है 1, Q1 complement करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया. Invert, invert, hold, इसका invert 0, इसका invert 0, इसका invert, इसको hold करना है, तो 0 का 0. अब देखिए T0 तो 1 ही है, T1 की वैल्यू क्या होगी? जो Q0 की है, तो कितनी आ गई? 0. T2 Q0 into Q1 complement, तो 0 into something 0. आप देखिए यहां से रिपीटेशन होने लगा, देखिए 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, ये स्टेट रिपीट होने लगी. तो हमारे नंबर क्या है, जो आउटपुट स्टेट्स आई हुई हैं वो क्या आई? देखिए पहली आई 0, दूसरी आई 1, तीसरी आई 6, 1 1 0 6, फिर 7, फिर 4, फिर 5, फिर 2, और फिर 3, और फिर अगेन 0 आ गया. मतलब हमारा काउंटर एक जो बन गया है, अब हम इस काउंटर का सीक्वेंस अलग से लिख लेते हैं. कब बनता ये काउंटर? जब ये फीडबैक नहीं होता, तो हमारा काउंटर होता 0 1 6 7 4 5 2 3, और अगेन 0. कितने मोड का काउंटर होता? 8 मोड का ही काउंटर होता, रैंडम काउंटर है, नाइदर अप है नॉर डाउन है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है. लेकिन चूंकि अब ये फीडबैक लगा हुआ है, पहले हमने विदाउट फीडबैक काउंटर का सीक्वेंस निकाल लिया. अब देखिए टेबल किसकी बनाई थी? जहां से आउटपुट ले गए थे उसकी बनाई थी. अब देखिए यहां पे एक फीडबैक है, फीडबैक क्या कह रहा है कि ये प्रीसेट करेगा Q0 को, क्या कर देगा? प्रीसेट. Q1 को क्या कर देगा? क्लियर. और Q2 को क्या कर देगा? क्लियर. तो ये प्रीसेट होगा, ये क्लियर होगा, और ये भी क्लियर होगा. तो स्टेट कौन सी आ गई हमारी? 1. तो ये कौन सी स्टेट हो गई? नेक्स्ट स्टेट. मतलब जब भी एंड गेट का आउटपुट कितना आ जाएगा, एंड गेट थोड़ा अच्छे से बना देते हैं. एंड गेट का आउटपुट जब भी 1 आएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 0 1, क्योंकि ये LSB है, 0 0 1, मतलब 1 1 कहां है? ये है, ये हो गई नेक्स्ट स्टेट. अब हमें ये पता करना है कि यहां 1 आएगा कब. यहां 1 तब आएगा जब एंड गेट के सारे इनपुट 1 होंगे, मतलब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1,
और जब ये वन है तो क्यू नॉट कॉम्प्लीमेंट वन, तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा जीरो, तो क्यू नॉट को लिख दिया जीरो। ये जब वन है क्यू वन कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, तो इसको भी लिख दिया जीरो। इसके बाद देखिए ये जब वन है क्यू टू, तो ये तो क्यू टू ही है, तो ये वन, तो इसको क्या लिख दिया वन। देखिए यहां पे अच्छे से ये क्यू नॉट कॉम्प्लीमेंट था, वन चाहिए, सॉरी कुछ गलत हो गया क्या, क्यू नॉट कॉम्प्लीमेंट अगर हमें वन चाहिए तो क्यू नॉट क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। क्यू नॉट कॉम्प्लीमेंट हमें क्या चाहिए वन चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए जीरो, तो देखिए क्यू नॉट जीरो लिख दिया। क्यू वन कॉम्प्लीमेंट हमें वन चाहिए तो क्यू वन क्या होना चाहिए जीरो, तो ये भी जीरो लिख दिया। यहां वन चाहिए तो ये तो डायरेक्ट क्यू टू से है, तो ये वन। कौन सी स्टेट आ गई है, ये आ चुकी है हमारे पास फोर, वो भी कौन सी अनस्टेबल स्टेट, क्योंकि जब भी ये स्टेट आएगी तुरंत के तुरंत जंप किस पे होगा नेक्स्ट स्टेट पे, तो अनस्टेबल स्टेट कौन सी हो गई फोर, ये हो गई अनस्टेबल स्टेट, तो फोर से जंप किस पे होना है वन पे। अब आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, मान लीजिए यहां से कर रहे टू थ्री जीरो वन सिक्स सेवन फोर, फोर जैसे ही आएगा फोर से किस पे जाओगे वन पे, मतलब यहां नहीं आ पाओगे। तो एक बार इनमें से कोई भी स्टेट आएंगी उसके बाद दोबारा ये स्टेट रिपीट नहीं होंगी, तो ये अनयूज्ड स्टेट हो जाएंगी। अनस्टेबल स्टेट भी लगभग अनयूज्ड स्टेट ही होगी, तो यूज्ड स्टेट आपके पास अब कौन कौन सी हो जाएंगी वन सिक्स सेवन, वन सिक्स सेवन, फोर आएगा फोर को काउंट नहीं करना, फिर से वन सिक्स सेवन एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस हो गया। इस सीक्वेंस को तीन तरीके से लिख सकते हैं, वन सिक्स सेवन वन सिक्स सेवन, या फिर यहां से स्टार्ट कर दो सिक्स सेवन वन सिक्स सेवन वन एंड सो ऑन, या फिर यहां से स्टार्ट कर दो सेवन वन सिक्स सेवन वन सिक्स एंड सो ऑन। ये इतने टाइप के सीक्वेंस हमें बन गए, तो कितने मोड का काउंटर बना, तीन मोड का काउंटर। तो यहां नंबर ऑफ मोड कितने हो गए, नंबर ऑफ मोड हो गए हैं इसमें थ्री। अगर आपसे पूछा जाए कि आउटपुट की फ्रीक्वेंसी बताइए, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी हमेशा ध्यान रखना एफ क्लॉक अपॉन नंबर ऑफ मोड, तो यहां पे क्या हो जाएगी एफ क्लॉक अपॉन थ्री, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ मोड क्या है थ्री है। तो ध्यान रखना जहां पे ये फीडबैक में प्रीसेट और क्लियर यानी कि असिंक्रोनस इनपुट फीडबैक में रहते हैं, वहां नंबर ऑफ मोड लेस देन टू टू दी पावर एन आते हैं, लेस देन और इक्वल टू, और अगर फीडबैक नहीं हो तो हमेशा नंबर ऑफ मोड कितने आते हैं टू टू दी पावर एन, चाहे वो सिंक्रोनस हो और चाहे असिंक्रोनस इनपुट हो, चाहे चाहे सिंक्रोनस काउंटर हो चाहे असिंक्रोनस काउंटर हो। तो यहां से रिपल काउंटर के ये क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया। अब रिपल काउंटर का एक हम आपको क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए असिंक्रोनस काउंटर हैविंग फाइव फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, सिंक्रोनस काउंटर के पास कितने फ्लिप फ्लॉप है, फाइव फ्लिप फ्लॉप, जिसमें से 10 नैनो सेकेंड डिले फॉर ईच फ्लिप फ्लॉप, हर फ्लिप फ्लॉप का टाइम डिले कितना है 10 नैनो सेकेंड। आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन नंबर ऑफ मोड्स, ये कब, विदाउट असिंक्रोनस इनपुट, जब कोई असिंक्रोनस इनपुट नहीं कनेक्ट है फीडबैक में, विदाउट असिंक्रोनस इनपुट फीडबैक ये नहीं है अगर, तो आपको नंबर ऑफ मोड्स निकालना है पहली चीज। दूसरी चीज आपको निकालना है कि इफ एफ क्लॉक इज 3.2 मेगाहर्ट्ज़, देन डिटरमाइन आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है यहां पे टोटल टाइम डिले निकालना है TD1 फॉर सिंक्रोनस काउंटर विद रिपल कैरी, और TD2 सिंक्रोनस काउंटर विदाउट रिपल कैरी। चौथा है आपका कि मैक्सिमम अलाउड क्लॉक फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको फॉर विद रिपल कैरी सिंक्रोनस काउंटर, और यहां पे मैक्सिमम अलाउड क्लॉक फ्रीक्वेंसी निकालना है विदाउट रिपल कैरी में। चलिए, तो बहुत आसान है, एक एक करके हम निकालते जाते हैं।
जब बात करें नंबर ऑफ मोड्स की, पहले क्वेश्चन की, जबकि कोई से असिंक्रोनस काउंटर नहीं लगा है, जबकि कोई असिंक्रोनस इनपुट नहीं लगा, मतलब प्रीसेट और क्लियर नहीं लगे हैं, तो नंबर ऑफ मोड्स ऑलवेज होते हैं 2 to the power n। यहां पे हमें गिवन है n इज इक्वल टू कितना है, 5 फ्लिप फ्लॉप है, स्मॉल td एक फ्लिप फ्लॉप का टाइम डिले है 10 नैनो सेकेंड, ये हमें गिवन है। तो 2 to the power n करेंगे, 2 to the power 5, टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितने हो गए, 32 मोड्स हो गए, पहला आंसर आ गया। ध्यान रखना ये नंबर ऑफ मोड्स रिपल काउंटर या सिंक्रोनस काउंटर विद रिपल कैरी या सिंक्रोनस काउंटर विदाउट रिपल कैरी, इस पे डिपेंड नहीं करते हैं, हमेशा 2 to the power n ही रहते हैं अगर कोई असिंक्रोनस इनपुट नहीं लगा है। अगर लगाए हैं तो उससे कम आएंगे, वो सर्किट सॉल्व करके निकाल पाएंगे, मतलब रिपल सिंक्रोनस असिंक्रोनस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पूछा गया है यहाँ पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकाल के बताइए, जबकि क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3.2। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमें पता है कितनी होती है, एफ क्लॉक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोड्स, तो कितना हो जाएगा, 0.1 मेगा हर्ट्ज या 100 किलो हर्ट्ज भी इसको लिख सकते हैं, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 किलो हर्ट्ज, ये आ गई आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे। अब आपसे पूछा है, ये खत्म हो गया, यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि टाइम डिले विद रिपल कैरी, तो रिपल कैरी के साथ टाइम डिले और विदाउट रिपल कैरी, आपको याद होगा कि जब विद रिपल के साथ टाइम डिले निकालते थे तो हमारा टाइम डिले होता था td+n-2 tg, विद रिपल मतलब एक का आउटपुट, एक गेट का आउटपुट दूसरे में, दूसरे गेट के इनपुट में देते हैं, दूसरे गेट का आउटपुट तीसरे गेट के इनपुट में, तो टोटल n-2 गेट लगते थे उसमें, याद था हमें एंड गेट, और टीजी क्या है यहाँ एंड गेट का, तो इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, वो हम लिख देते हैं कि एंड गेट का टाइम डिले भी आपको गिवन है, लेट मान लिया 5 नैनो सेकंड या दे दिया 2 नैनो सेकंड गिवन है, एंड गेट का टाइम डिले आपको 2 नैनो सेकंड गिवन है। तो आपको क्या करना है, एक td1 निकालना है, एक td2 विदाउट रिपल कैरी, मतलब सारे के सारे जो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट हैं वो डायरेक्टली हर एंड गेट के इनपुट पे जाएंगे, जिन फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट देना है, मतलब दूसरे पे पहले का, दूसरे पे तो डायरेक्ट पहले का जाएगा, एंड गेट लगेगा नहीं, तीसरे फ्लिप फ्लॉप पे पहले और दूसरे का, चौथे पे पहले दूसरे तीसरे का डायरेक्ट जाएंगे, तो वहां पे टाइम डिले होता था td+tg। तो देखिए पहले का टाइम डिले अगर निकालेंगे, टीडी है 10 नैनो सेकंड प्लस n-2, n है 5, तो 5-2 इंटू टीजी, टीजी कितना है 2, तो ये हो जाएगा 10+3 × 2 = 6, तो 16 नैनो सेकंड आ गया। यहां पे निकालेंगे टीडी है 10 और टीजी है 2, तो 12 नैनो सेकंड। तो देखिए यही हमने बताया था कि विदाउट ट्रिपल कैरी वाला जो सिंक्रोनस काउंटर होता है वो फास्टर होता है, क्योंकि उसमें टाइम डिले कम लगता है, इसमें टाइम डिले ज्यादा लगता है, तो ये हमने चेक कर लिया। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि मैक्सिमम अलाउड क्लॉक फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम अलाउड क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपको पता होगा होती है 1/TD, सीधा सीधा, तो टीडी यहाँ ये होती है 1/TD1, TD1 मतलब ये, और इसके लिए होगी 1/TD2, ये किसके लिए है, विद रिपल कैरी, ये विदाउट रिपल कैरी, तो विद रिपल कैरी में कितना हो जाएगा, 1/16, नैनो है तो नैनो में 10 to the power -9, और इसे सॉल्व कर लेंगे 10 to the power 9/16, जिसे हम लिख सकते हैं 100/16 × 10 to the power कितना हो जाएगा 7, दैट इज इक्वल टू 6.25 × 10 to the power 7, दैट इज इक्वल टू 62.5 मेगाहर्ट्ज, ये 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 to the power 6 बचेगा। कैलकुलेशन में अगर कोई गलती हो तो कैलसी से आप सॉल्व कर लीजिएगा, हमने डायरेक्ट सॉल्व किया है, 16 का 100 में डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा 96, 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 × 2 = 32, फिर 8 बचेगा 16 × 5 = 80, ये हो गया। तो ये मैक्सिमम अलाउड क्लॉक फ्रीक्वेंसी किस में हो गई है, विद रिपल काउंटर में, विद रिपल कैरी में, विदाउट ट्रिपल कैरी में अगर हम देखेंगे तो 1/12 नैनो सेकंड, तो ये हो जाएगा 10 to the power -9, ऊपर जाएगा तो 10 to the power 9, फिर उसे ऐसे ही कर लेते हैं 100 × 10 to the power 7/12, डिवाइड करेंगे 8 तो 96 हो जाएगा, 4 बचेगा 3, फिर 4 बचेगा
3 into 10 to the power 7, that is equal to आ जाएगा 83.33 मेगा हर्ट्ज। 10 का इधर मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे एक और नई चीज हमें सीखने को मिली कि विद रिपल कैरी में जो मैक्सिमम अलाउड क्लॉक फ्रिक्वेंसी होती है वो कम होती है, विदाउट रिपल कैरी में जो मैक्सिमम अलाउड क्लॉक फ्रिक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है। मतलब ज्यादा फ्रिक्वेंसी का क्लॉक हम दे सकते हैं इसमें, क्यों? क्योंकि इसमें टाइम डिले बहुत कम होता है, टाइम डिले इसका कम निकला, इसका टाइम डिले ज्यादा निकला। तो इस न्यूमेरिकल से भी एक चीज हमने सीख ली कि विद रिपल कैरी में मैक्सिमम अलाउड क्लॉक फ्रिक्वेंसी कम होती है, जबकि विदाउट रिपल कैरी में हम ज्यादा फ्रिक्वेंसी क्लॉक के रूप में दे सकते हैं, ज्यादा फ्रिक्वेंसी की क्लॉक हम दे सकते हैं। तो ये वीडियो के साथ यहाँ पे सिंक्रोनस काउंटर हमारा खत्म हुआ है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर। तो हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो नॉलेजेबल है तो बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। कभी भी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं। तो ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच।